एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी फॉर इजी। मैं हूं रचना और मैं बनाने जा रही हूं यमी और टेस्टी टमाटो क्रीम सूप। टमाटो क्रीम सूप बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। सूप्स बहुत अच्छे एपेटाइजर्स होते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी। बच्चे सब्जियां खाने में बहुत नखरे करते हैं, लेकिन सूप बड़े चाव से पीते हैं और इससे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं टमाटो क्रीम सूप। टमाटो क्रीम सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच मक्खन डाल देते हैं और इसे पिघलने देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। मक्खन पिघल गया है, अब इसमें एक तेज पत्ता और 2 छोटे चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, अब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। मैदा या कॉर्नफ्लोर सूप को गाढ़ा करने में हेल्प करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें 3 ग्लास या लगभग 700 ml पानी डाल देते हैं। अब पैन में 6 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 5-6 कली लहसुन और आधी मीडियम साइज की कटी हुई गाजर ऐड करनी है। अगर आप लहसुन प्याज पसंद नहीं करते हैं तो आप इन्हें इस रेसिपी में इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अगर बच्चे काली मिर्च पसंद ना करते हो तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी और कम कर दीजिए। पैन को कवर कर दीजिए और सब्जियों को 15 से 20 मिनट तक पकने दीजिए। आप चाहें तो सब्जियों को प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। उसके लिए सब्जियों को कुकर में 1 सीटी आने तक पकाइए और फिर गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। कुकर को अपने आप खुलने दें। जब तक सब्जियां उबलती है हम ब्रेड क्रोटॉन्स तैयार कर लेते हैं। ब्रेड क्रोटॉन्स बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस लीजिए और उन्हें इक्वल साइज के छोटे छोटे पीसेज में काट लीजिए। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड यूज की है क्योंकि मेरे बच्चे यही पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। आप ब्रेड पीसेस को छोटे कुकी कटर्स की हेल्प से अपनी मनचाही शेप्स में भी काट सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट शेप्स का बहुत शौक होता है और वो इन्हें जरूर एंजॉय करेंगे। अब इन ब्रेड पीसेस को एक नॉन स्टिक पैन में 1/2 चम्मच तेल डालकर हल्का सा टॉस कर लीजिए। इससे ब्रेड पीसेस गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएंगे। टॉस करने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। ब्रेड पीसेस को आप चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4-5 मिनट तक बेक करना होगा। ब्रेड क्रोटॉन्स सूप में यूज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम सब्जियां चेक कर लेते हैं। सब्जियां अच्छे से उबल गई है। इन्हें 15 से 20 मिनट ठंडा होने दीजिए और फिर इन्हें ब्लेंडर या मिक्सर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने सब्जियों को ब्लेंड कर लिया है। अब इन्हें चलनी से छान लेते हैं जिससे टमाटर के बीज और छिलके वगैरह निकल जाएं। टमाटो सूप तैयार है। इसे एक बॉईल दे देते हैं। टमेटो सूप रेडी है। अब इसे फ्रेश क्रीम और ब्रेड क्रोटॉन्स के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप इसे ताजा धनिया या पुदीने की पत्ती या बेसिल लीफ से भी गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टमेटो क्रीम सूप बनाना बहुत ही इजी है। बस इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सूप को और ज्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए
आप सब्जियां बॉईल करते टाइम इसमें आधा इंच चुकंदर का टुकड़ा ऐड कर दीजिए, जिससे सूप का कलर बहुत अच्छा रेड आएगा। सेकंड थिंग, अगर आपको सूप थोड़ा खट्टा लग रहा हो तो उसमें आधा से एक चम्मच चीनी मिला दीजिए, इससे सूप और ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रेजी फॉर इजी।